Assalamualaikum guys, hope you all are fine and doing great. This is Akhtar Nadeem from Axiology. As you all know guys, काफ़ी टाइम से मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरी रूटीन ही इतनी बिजी होती है, ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस यहीं पे मैं स्टक हूँ। अगर एक दो इंटरव्यूज़ कर लूँ वो भी बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है। तो खैर, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, न्यू ईयर के साथ मैंने सोचा न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं, बालों को थोड़ा सा कोई न्यू लुक देते हैं, और उसके लिए आई एम जस्ट कमिंग टू शब बाय शीना बिलाल का जो सैलॉन है। फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ की अपनी डे रूटीन, यहाँ पे मेरा दिन कैसा गुजरने। अच्छा गैस, फिलहाल मैं आ चुकी हूँ शब बाय शीना में। मैं बिल्कुल गेट पे ही स्टार्ट हो गई थी, जज्बाती हो गई थी बहुत ज़्यादा। आई एम जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द सैलॉन, अंदर की तरफ चलते हैं। और ये जो एरिया है जहाँ से मैं गुजरी हूँ, बहुत ज़्यादा लवली किस्म का इन लोगों ने रखा हुआ है, ग्रीन टाइप एरिया है। मैं आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ। अंदर चलते हैं, शीना से मिलते हैं, सर्विसेज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा दिन गुजरता है, कैसा मेरा हेयर ट्रीटमेंट जो मैं करवाने जा रही हूँ, जो हेयर कलरिंग चेंज करवाने जा रही हूँ, वो कैसी लगती है। तो ये सारा एरिया है जहाँ से मैं अभी गुजर के आई हूँ गाइस। पौधे ना मेरी कमज़ोरी है, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं माशाल्लाह, वर्किंग क्लाइंट्स इनका अच्छा है। मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स आए हैं, ये लोग काट कर दस्त लगाए, फ्लावर्स हल्के हल्के लगे हुए हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम इनसे मिले। कैसे हो? प्रिटी वुमन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अभी तक अंदर का एरिया भी अच्छा है। ये वेटिंग एरिया या रिसेप्शन एरिया? रिसेप्शन एरिया। ओके, अच्छा मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी, मैं आज कलर करवाने आ रही थी। मैंने कहा न्यू ईयर का स्टार्ट तो ये है कि मैं सैलून की कवरेज वगैरह देती हूँ, कैसा है कैसा नहीं है, आप क्लाइंट्स डील करें। ओके गाइस, ये चीज़ लव है। बाकी अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है कैसा नहीं। Start the visit of salon. ये हमारा मेकअप रूम है। नाइस। ब्राइड्स वगैरह और मेकअप सब कुछ हमने सेपरेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे इंटरप्शन होता है ना, फिर क्लाइंट डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पे ब्राइड्स होती हैं या पार्टी मेकअप्स वगैरह होते हैं? ब्राइड मेकअप भी और पार्टी मेकअप भी। और ये छोटा सा स्पॉट भी है जहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स वगैरह बना सकते हो, थोड़ी एस्थेटिक सी वाइब आएगी। हाँ, एस्थेटिक्स बहुत यूनिक है ना वहाँ के लिए, ना मस्ट नीडेड सैलून है। एग्जैक्टली, मैं इंटर हुई हूँ तो मैंने कहा यार तभी कुछ चेंज पैटर्न है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगा। लाइक बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई मेकअप का एक मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो ये चीज़ जरूर से यूनिक होना चाहिए। हाँ, कुछ भी सामने ना हो, बस जो भी हो ना, बस आपका मैजिक हो। मैजिक हो। ये है हमारा मैनीक्योर। ओके, यहाँ पे वॉशिंग यूनिट्स भी हैं। अच्छा, ये जो आपने बल्ब्स टाइप्स ये लगाए ना, ये काफी एस्थेटिक लुक दे रहे हैं ना इसको। मेरी पता, ये सारी डिजाइनिंग मैंने खुद की है और बहुत अच्छी और एस्थेटिक टच दे रही है ना। और मेरा काफी मतलब इसके ऊपर ना, एक तो टाइम कंज्यूम हुआ होगा, टाइम भी, और दूसरा ये कि मेंटली तौर पे जो आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वो अलग होती है, तो वो सारी नजर आ रही है। और बहुत अच्छा लगा, मतलब कि ना आपने हर चीज डिटेल्ड में इसको किया है, लेकिन जो है डिसेंट लुक दे रहा है ना, भरा भरा वा नहीं दे रहा कहीं। हाँ, से बस मेरा ये था कि वाइट, गोल्ड, ब्लैक, हाँ, बस इसकी थीम हो ग्रे की, बस इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टच इसमें ना आए, क्योंकि वो बहुत अजीब है, बल्लो टाइप हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। करने लगे हैं प्रोसीजर और ये हो रही है ट्रांजिशन वीडियोस एंड बिफोर आफ्टर। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट। हम क्या लगाने जा रहे हैं? मेरा ब्लॉन्ड शेड में जाने का इरादा था, लेकिन शीना कहती है मेरे पे बस सूट नहीं करेंगे। अभी हम कौन से कलर अप्लाई करने वाली है, पहले क्या करेंगे जरा मुझे बताना। थोड़ा ऐश ऐश सा जाएंगे, ऐश ऐश से जाएंगे, ऐश ब्राउन जो होते हैं ना उसमें। मैं बस मोटी आ रही हूँ, नहीं अच्छी लग रही हो गर्ल्स इश्यूज।
मैं मोटा होना चाहती हूँ, जो थोड़े से हैं वो कहते हैं कि मैं मोटी आ रही हूँ। मैं भी बिग ग्रीन टी पी रही हूँ, मैं पतला होना चाहती हूँ थोड़ा सा। नहीं यार सही हो, डॉल डॉल टाइप। थैंक यू। अभी हम कौन सा कलर लगा रहे हैं? आपका नाम क्या है? गुड नेम शैला। अच्छा शैला, अभी हम कौन सा शेड अप्लाई करो? ये हम डाई कर रहे हैं और मैं बीच में सेटिंग करते हुए। और हम ये कौन सा शेड है? 7 नंबर है। 7 नंबर एश ब्राउन। ना ज्यादा एश ब्राउन, ना ज्यादा चॉकलेट में, ना गोल्डन में। गाइस देखते हैं कैसा लगता है मेरे से। काफी टाइम बाद मैं फुल डाई ले रही हूं। यस आफ्टर शबशीना पे आई हूं, इतने पॉजिटिव रिव्यूज हैं, अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यू विल नेवर रिग्रेट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुमने मेरी स्टोरीज देखी होंगी, मैं भी पीजेस में बिलाल के साथ चली जाती हूँ। मम्मा कहती है अक्सर हमें लोग जानते हैं ना, समटाइम्स ऐसा होता है मैं जाती हूं, लोग मुझे पहचानते हैं, बट स्टिल मैं वैसी होगी जैसे मैं ऑफिस में उठ के ऐसी चली जाती हूँ। और ये चीज, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं मेरा, बट ठीक है, वी आर ओके विद इट। यार मेरा मन है कि आप जो है वो दिखाएं, आप क्यों हर जगह हर जगह हर जगह आप एक इमेज में चेंज करोगे? यू नो सोशल, हम सोशल मीडिया पर्सन है ना, जो लड़कियां ब्लॉगर्स नहीं है, ये जो घरेलू लड़कियां हैं वो हमें देख कर एडमायर करती हैं हमारी लाइफ में। अब उन बेचारियों को यही पता होता कि रियल लाइफ में हम भी ऐसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो घर में संडे का झाड़ू पोछा भी कर रही होती हूँ। और वो मुझे देखना चाहिए, वो मैं देखूंगी, किसी दिन छापा मारूंगी। मेरे यूट्यूब पे चली जाओ, मैं पूरी पूरी वीडियो बना के डालती हूँ। माशाल्लाह ग्लोइंग फेस, ग्लोइंग फेसेस, माशाल्लाह। मुझे हाँ वो वॉशिंग यूनिट है पीछे, उसके ऊपर सो सकती हो। Finally, the application is done. अब हमें 45 मिनट वेट करना पड़ेगा। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही, शुक्र है मैं लंच करके आई थी। Guys, look at the glow, natural glow है, कुछ भी नहीं लगाया हुआ। अच्छा शीना, ये वाला एरिया जो है इस का मुझे बताओ, ये किस पर्पस के लिए यहाँ पे कुछ प्लान्स किए हुए हैं आपने? यहाँ पे ना हम बाहर में ना इसको डेकोर करेंगे। अच्छा हाँ, वैसे काफी अच्छा एरिया देखो, जरा अच्छा खासा हो सकता है। सारा फ्लोर से इसको कवर कर देंगे, वॉल्स वगैरह को भी, और थोड़ी लाइटनिंग वगैरह होगी। अब ये जो ट्री है इसके ऊपर अगर लाइटनिंग कर दे, कितना एस्थेटिक लगे, बहुत अच्छी लगेगी। तो वो ये है कि फिर ये शूट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, मैं भी करा सकती हूँ, तुम भी करा सकती हो। जो आई एम ऑलवेज इन गाइस, इट्स टी टाइम। वाओ वाओ, ये ट्रे मेरी फेवरेट है। मारिया मुझे कह रही है तुम डाई करवा रही हो, तुम बालों का कबाड़ कर दोगे? मैं भी बालों का कबाड़ कर दूंगी। और खुद कटिंग पे कटिंग पे कटिंग, आ जाओ।
मारिया अपना दोबारा खत्म करने खत्म किया देखा अब मारिया ने सच बोला मैं तो मैं सही सजेशन दी थी यहाँ सोने की हाँ पहले ही यहाँ पे लेट जाती मैं यहाँ पे मास्क अभी ये भी स्टे करेगा कितना स्टे करेगा यार मैं थक गई हूँ अच्छा अभी हम इनके चंक्स करने लगे हैं मैं चाह रही हूँ कि थोड़े रेड रेड से हों सबसे पहले तो हम इनका कट डाउन करेंगे कट डाउन के ऊपर इनके चंक्स आएंगे अच्छा तो बहुत प्यारे लगेंगे रेड अगर दो मिक्स करके कलर्स करें वो कैसे लगेंगे बुरे बुरे सही बात है बुरे किचन में रेड की तरफ जाना नहीं चाहती ये वो वाला रेड नहीं है जो तुमने कराया चलो करके देखो हाँ मजे का लगेगा लेकिन चलो ठीक है फाइनल स्टेप we are just going to add red chunks on here and this is the final and last step iske baad hum styling karenge and that's all जिसके लिए हमारा पूरा दिल लग गया है शीना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है बहुत प्यारा और ये तुम पे बहुत सूट कर रहे ना सेटिस्फाइंग मैंने जो निकाले थे शेयर मुझे शीना ने कहा कि तुम मेरी रिकमेंडेशन पे चलो मैं जब बताती हूँ वो शेयर करो अच्छा लगेगा एंड आई ट्रस्टेड हर और वाकई में अच्छा लगा है थैंक यू शीना पहले हम लोगों ने किया था ना इनका क्राउन किया हमने सारा ना उसमें कर दिया था रेड में था लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा था तो मैंने चेंज करवाया थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन ये है कि मिक्सिंग दे दी उसकी मिक्सिंग के बाद ये फाइनल रिजल्ट है जब ये स्टाइलिंग करेंगी ना जब इस तरह इसको कैरी करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा और अगर मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है अच्छा इसमें मैंने अपना डाई करवाया है मैंने चंक सेट करवाए हैं रेड कलर के इसके अलावा प्रोटीन ट्रीटमेंट भी मैंने लिया है एंड थोड़ा सा मैंने हेयर कट लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे बालों को ट्रिमिंग की जरूरत है तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा हेयर कट करवा लेती हूँ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट लगे काम अच्छा लगा स्टाफ बहुत अच्छा था ऑनर बहुत अच्छी हैं तो मुझे आप भी कमेंट करके बताइए कैसी लग रही हूँ मुझे तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ भाई और अगर आप वाकेंड में रहते हैं तो आपने इनको लाजमी विजिट करना है बाकी इंशाल्लाह डिटेल्ड इंटरव्यू शीना के साथ हम करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको दोबारा शीना मेरे चैनल पर नजर आएंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और हाँ अगर आपको काम पसंद आया तो इंस्टाग्राम पे जाके शब्बर शीना के नाम से इनका पेज है उनको फॉलो कर दें और अगर उनको फॉलो करेंगे तो मुझे भी कर देना एक्सियोलॉजी के नाम से है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़